अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। सागर की मालथोन से अपनी गुहार लेकर एक महिला कलेक्टर के दरबार पहुंची, जहां उसने एक आवेदन प्रशासन के अधिकारी को सौंप। पति की मृत्यु के बाद परिवार चलाने में हो रही दिक्कत और बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था के लिए उसे अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई। दो मासूम बच्चों के साथ कलेक्टर के पास पहुंची महिला के चेहरे पर उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। जहां पति की मौत के बाद परिवार का सहारा कोई नहीं होने पर जाने वाली कठिनाई पर उसने प्रशासन के माध्यम शासन से मदद की गुहार लगाई। महिला के पति बिजली विभाग में लाइनमैन के तौर पर कार्य करते थे, जहां अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार पर बड़ा संकट आ गया। अब तक उसे किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिली, ना उसके परिवार के भरण पोषण के साथ आजीविका के लिए कोई व्यवस्था हो इसका प्रयास हुआ। इस मामले में वह लगातार क्षेत्रीय विधायक से लेकर प्रशासन के अधिकारी के समक्ष गुहार लगा रही और अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए इसका प्रयास करने में लगी हुई है। क्या नाम है और क्या समस्या लेके आई थी जन सुनवाई में? जी, मेरा नाम रीना पुरोहित है और मैं मुंगावली की रहने वाली हूँ, और मैं अभी इधर मालथोन में रहती हूँ। लाइनमैन की पोस्ट थी इनके पापा की। क्या नाम थे पति का? ललित कुमार पुरोहित। क्या क्या घटना हुई थी? जी, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई तो हम इनको इधर मेडिकल कॉलेज ले आए। इधर पे इनकी 20 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई शाम के टाइम, तो अब हमारे लिए कुछ भी सहायता नहीं मिली उधर से, ना अनुकंपा का कुछ हो रहा है और ना कुछ वैसे आर्थिक सहायता मिली है। ये कितने समय तक ये विद्युत मंडल में काम करते रहे? जी, 2014 से थी इनकी जॉब, तो इनका जो ट्रांसफर हुआ था पहले आगा सौद में थे, फिर आगा सौद बीना से फिर वो इधर मालथोन हो गए इधर से। तो अब यहाँ आप जन सुनवाई में आई थी, क्या चाह रही हैं आप? जी, हमारे लिए कुछ भी सहायता मिल जाए, जैसे हमारे लिए अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए तो हम अपने बच्चों का लालन पालन कर लेंगे। वहाँ पर जो विधायक हैं उनसे बात हुई आपकी? जी, अभी हमारी किसी, हमने भूपेंद्र भैया को तो आवेदन दिया था, दो बार दिया है, तीन बार, मगर उधर से भी हमें कुछ सुनवाई नहीं समझ में आई। तो अब आप क्या चाह रही हैं? जी, अब हमारे मतलब हो, इसका समाधान हो, कुछ भी करें। जबलपुर भी हमने भेजाया है, उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आया हमारा। आज जन सुनवाई में पहली बार आई हैं? जी, आज हम पहली बार ही आए।